इसाक को देखो, इसाक से सीखो। अगर कोई थक गया है इसका मतलब उसने पहाड़ की चढ़ाई कर ली है। तेरे मम्मी पापा का वो गर्व से उठा हुआ सीना। तो मैं अचंभित हो गया। तो वो बच्चा बोला कि मैं तो सर मात्र 6 महीने से यहां हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं इसके जाप समूह को सादर प्रणाम करता हूं और आज मैं बड़े इत्मीनान से कुछ बातें कहने आया हूं आपको। आपके अंदर की बुझी हुई आग को जलाने आया हूं मैं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का आग जले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो अंतिम समय में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेरे मम्मी पापा का वो गर्व से उठा हुआ सीना, समाज में बैठकर एक अच्छे प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठना, ये कितने गर्व और कितने सम्मान की बात है। और भाई मेरे, मैं मानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे दुविधाओं को आपने पार किया है। आपके अगर 10 दोस्त होंगे तो 9 दोस्त तो रह गए रास्ते में, आप अकेले यहां तक पहुंचे हो। तो क्यों ना सर अब इसको अपने मंजिल तक हम ले जाएं। कहते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई थक गया है इसका मतलब उसने पहाड़ की चढ़ाई कर ली है, और जो चढ़ा ही नहीं वो थका ही नहीं। अगर आप थक गए हैं तो आप मंजिल से इतना दूर हैं, बस 2 कदम चलिए और मंजिल पे जाके बैठ जाइए। मैं मानता हूं कि वैकेंसियां कम है। मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको नौकरी नहीं होती, क्योंकि मैं बच्चों को देख पा रहा हूं। जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं सर, हमारे यहां अभी हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। मैं जब उनका रिजल्ट देखता हूं सर, तो आज जब मैंने देखा तो मैं अचंभित हो गया। तब मैंने उस बच्चे को बुलवाया तो बच्चा बोला कि मैं तो सर मात्र 6 महीने से यहां हूं। कोई बोला मैं तो 2 महीने से यहां हूं। तो मैंने पूछा कि क्या आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है? तो बोला हां। और आपको जानकर यह अचंभा होगा कि उसका मार्क्स ग्रुप डी के टेस्ट में -2 नंबर था। इसका इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि एनटीपीसी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी तादाद बड़ी कम है मेरे दोस्त। इसलिए अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन किए हुए हैं तो आपको एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरे अंदर वो आग भड़कनी चाहिए, क्योंकि अब अंत समय आ गया है। अब लगभग चावल बन चुका है मेरे दोस्त। 3 सिटी में अगर तुम चावल बनाते हो तो 2 सिटी लग चुकी है। ऐ मेरे दोस्त, 1 सिटी सही से लगा दे अगर तुझे चावल खाना है तो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमको देख के इसी 3 महीना को डिसाइड करना है कि तुमको देख के लोग कहेंगे कि ये लड़का इंडियन रेलवे में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मानता हूं कि पढ़ना एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको पूरा समाज देखता है, और लोग ये कहते हैं कि यही लड़का इंडियन रेलवे में। मैं तो उस पल को महसूस करवाना चाहता हूं आपको, जब लोग आपको देख के ये कहें कि यही लड़का इंडियन रेलवे में। मैं एक ही बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मंजिल पर लगभग पहुंच गए, बस 2 कदम की दूरी है। क्यों ना मेरे दोस्त, साथ मिलकर 2 कदम तेजी से ले लिया जाए कि सभी लोग धरे के धरे रह जाएं। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो वो तब तक तेरी निंदा करता है जब तक तेरी विजय नहीं हो जाती। एक बार तेरी विजय हो गई मेरे दोस्त, फिर तेरी निंदा लोग नहीं करेंगे। लोग तुझे ये कहेंगे कि देखो इस बच्चे को, यही बच्चा इंडियन रेलवे। मैं तो उस पल को सोच सोच के गौरवान्वित तेरे तरफ से महसूस होता हूं। ए मेरे दोस्त, मैं तुमसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन तुम्हारे मम्मी पापा के तरफ से करता हूं, यह अंतिम समय है, यह अंतिम समय है। अब इस आग को सुलग जाने दे, भड़क जाने दे इस आग को, लग जाने दे इस आग को, क्योंकि मेरे दोस्त अंतिम मौका है तेरे पास। कुछ दिन बचे हैं तेरे लिए, 1.5 महीने बचे हैं। एक एक दिन को चैलेंज के रूप में ले। और आए मेरे दोस्त, खूब मन लगा के पढ़। मेरे बैच में एडमिशन ना ले, मैं नहीं कहता तुझे जा कि मेरे बैच में एडमिशन ले, लेकिन पढ़ ले। तुम्हारे मम्मी पापा के तरफ से तुमसे नम्र निवेदन करता हूं, सारी वैकेंसियां तेरे सामने बाहें फैलाकर खड़ी है। लग जा गले किसी के सीने, हो जाएगा तेरा उद्धार।
और लोग तुझे देख कर कहेंगे यही लड़का इंडियन रेलवे में है, यही लड़का दरोगा। अगर तू कहलवाना चाहता और शान से ऐसे खड़े रहेगा तू, और तेरे मम्मी पापा का सर फक्र से ऊंचा रहेगा। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, नमस्कार। लेकिन सर मैं ये जरूर कह के जाऊंगा कि इस आग को देखो, इस आग से सीखो, क्योंकि यही आग है जो दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।